आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बेसन के लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं। एक बार आप मेरी रेसिपी के अनुसार बेसन के लड्डू बना के ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। इन बेसन के लड्डू को बनाने के लिए आपको बाज़ार से भी कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में ही हमारे ये बेसन के लड्डू बनाने के लिए सामग्री अवेलेबल होती है। आइए हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर हमने 2 कटोरी बेसन लिया है। 2 कटोरी बेसन और 4 चम्मच हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे ताकि हमारे बेसन के लड्डू दानेदार बने। आप चाहे तो इसके लिए मोटा बेसन भी ले सकते हैं। आपके पास मोटा बेसन नहीं है तो आप बारीक वाले बेसन को भी ले सकते हैं और उसके अंदर आप 4 चम्मच सूजी डाल के दानेदार लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन को इसी तरीके से ड्राई घी सेकेंगे। हम कम से कम घी में ये लड्डू बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से बेसन को ड्राई सेकने से कम घी में ही हमारे बेसन के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं। इस तरीके से हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे सेकते रहेंगे जब तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। जब तक हम बेसन को इसी तरीके से सेकते रहेंगे, जैसे ही बेसन का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम 1/2 कटोरी घी ऐड कर लेंगे। 1/2 कटोरी घी ऐड करने के बाद हम बेसन को लगातार चलाते रहेंगे। हमें बीच में बिल्कुल भी बेसन को चलाना बंद नहीं करना है। बेसन को सेकते समय हमें बेसन का ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है। अगर आप बेसन को ज़्यादा सेक लेंगे तो हमारे बेसन के लड्डुओं में कड़वा टेस्ट आ जाएगा। हमने यहाँ बेसन को लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट ही सेका है और इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है। घी को बेसन में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 5-6 बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारे लड्डुओं का और भी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। घी डालने के बाद हमने लगातार फिर से 5 मिनट तक बेसन को अच्छे से भून लिया है और ये हमारा बेसन भून के तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। बेसन को हम एक बड़े बर्तन के अंदर ही निकालेंगे और बेसन को निकाल के हम कुछ देर ठंडा कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस ये छूने के लायक हो जाए उतना ही हम इसे ठंडा करेंगे। इस तरीके से आप बेसन के लड्डू बना के ज़रूर देखिएगा। जैसे ही बेसन ठंडा हो जाए तो इसके अंदर हम 1/2 कटोरी चीनी ऐड कर लेंगे पिसी हुई। पिसी हुई चीनी डाल के हम चीनी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। चीनी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको मिश्रण थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। घी ऐड करके हम फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ा सा मिश्रण लेके लड्डू बना सकते हैं। अगर आपके लड्डू बन जाए तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना बंधे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड करके लड्डू बना सकते हैं। हमने थोड़ा सा मिश्रण ले लिया है और इस तरीके से हम लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक एक करके लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। बेसन के लड्डू बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम बेसन के मिश्रण को ठंडा करके ही चीनी डालेंगे। अगर हम गरम गरम मिश्रण के अंदर चीनी डाल देंगे तो हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और हमारे लड्डू बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे और लड्डू की शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें थोड़ा ठंडा करके ही बेसन के मिश्रण के अंदर चीनी डालनी है। इस तरीके से आप लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। आइए मैं आपको लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और मुलायम लड्डू बनके तैयार हुए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।